वालेकुम अस्सलाम। वाटा इसमें शरीफ सिकंदर मिर्जा है? जी हाँ। अरे पूछो जौहरी हो, मेरा तो अल्लाह जौहरी दी हवेली है। जी हाँ बेशक। साडे दोस्त हैंगे मोहम्मद शाह, इन्हानो इस हवेली की पहले मंजिल अलॉट हैगी है। जी लेकिन ये हवेली तो एक महीने पहले मुझे अलॉट हुई। और ठीक है ठीक है, पर ऊपरी मंजिल इस तुहाडा कब्जा तो नहीं हैगा ना? आपको ये किसने कहा? वाडा मुंडा जवेद बता रहा सी, कह रहा सी ऊपरी मंजिल रतन लाल जौहरी की मां रह रही है। मतबल पाकिस्तान में एक काफिरा। अच्छा तो आप वही हैं जिनसे जावेद मियां की बात हुई? हाँ जी, गल हुई सी मुंडे नाल। तो जनाब पहलवान साहब, आपको ऊपरी मंजिल अलॉट नहीं हुई है, आप उस पर कब्जा करने के इरादे से क्या है? बस तो समझो जी, उठे किसी काफिरा के रहन तो अच्छा है, साडा कोई मुसलमान पाई रहेगा। लेकिन ये पूरी की पूरी हवेली मुझे लॉक हुई है। पर ऊपरी मंजिल तुहाडा कब्जा तो नहीं आएगा ना? आपको इससे क्या मतलब? ओ, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुसी इस हिंदू बुड्ढी को इत्थे बना दे रखी है, आपा यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा तो आप मुझे धमका रहे हैं? जी नहीं, बात दरअसल यह है कि क्यों ना ऊपर के 11 के 11 कमरे आप लोगों के कब्जे में आ जाए। आपा तो इस्लामी बिरादरी के नाते तुहाडी मदद करने आए सी, पर हुण तो मैनू लगता है एक मुसलमान तो ज्यादा वो तैनू काफिरा प्यारी है। मशा साहब, आप कस्टोडियन वालों को बुलाते ले आए, वही आपको ऊपरी मंजिल का कब्जा दिला सकते हैं। पर जनाब पहलवान साहब, इस बात में इस्लाम और कुफ्र कहां से आ गए? मिर्जा साहब, मैंने वह दसिए क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया सी जिथे कोई काफिर रहे? ये बात आप पाकिस्तान बनाने वालों से पूछिए। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि शहर लाहौर के दिल कूचा जौहरियों में कोई काफिर अंदर आते घूमे? शराबे वाला, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझने से कासिर हूँ। तो साडी मदद कीजिए, आप एक मिनट आइए ऊपरी मंजिल का फैसला करा देंगे, फिर उस काफिरा की जगह साडे मोहम्मद शाह। लेकिन ये पूरी की पूरी हवेली मुझे लौट हुई है, चाहे इसमें कोई काफिरा ही क्यों ना रहे। लेकिन ये शुक्रिया, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। ओए मिर्जा, फिर इंज हो नहीं सकता जैसा तुसी चाहते हो, किसी काफिरा के वजूद को इत्थे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलाम मुहाजिर।